गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है राहुल सर पिहोवा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव कम अगेन बिफोर यू। बहुत लंबे समय बाद आज मैं आपके सामने आया हूँ। पास्ट सीरीज़ जो कि हमारी अभी तक इनकम्प्लीट है, अधूरी है, चलो उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो डियर्स, आपको मैंने पास्ट सीरीज़ का एक ही टेंस करवाया था जो कि ऊपर सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, जो कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस था। चलिए डियर, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कम ऑन द टॉपिक। तो आज मैं पास्ट सीरीज का दूसरा टेंस लेके आया हूँ जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी डेफिनेशन है व्हेन वर्क इज कॉन्टिन्यूइंग इन पास्ट वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब होता है जो काम हम पास्ट में लगातार कर रहे होते हैं, मतलब जब काम पास्ट में लगातार चल रहा होता है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं मार्केट जा रहा था, मैं पटाखे चला रहा था, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ये सारे काम क्या है, पास्ट में मेरे काम लगातार चल रहे थे। तो डियर देखिए, इसकी जो पहचान होती है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है इस क्लास की, वाक्य के लास्ट में अगर रहा था, रही थी और रहे थे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं जिनका नाम है वाज और वर। ये मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो, यू वी दे तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लूरल में आएंगे, इनके साथ वर आएगा, आई ही शी इट के साथ वाज आएगा। वाज और वर्ब के बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें हम आई एन जी का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, वाज और वर्ब में से एक चीज पहले आएगी, देन सब्जेक्ट, इन सेवन में से कोई भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आई एन जी, बाद में ऑब्जेक्ट। आंसर में सब्जेक्ट बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब अंदर आ गई, वाज वर्ब में से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट। मना करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखा गाइस कितना सिंपल है। अब देखिए इसके सेंटेंस बनाते हैं। आपको बता ही रखा है कि जब भी हिंदी में क्या आ जाता है, क्या का मतलब होता है, सवाल पूछना है। जब भी क्या आता है सवाल पूछते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाती है। क्या के बाद आप देखो हिंदी में क्या आ रहा है, आप, वो, मैं, वह, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ। जो आपने स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या की जगह पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया है, आपने मुझसे पास्ट में पूछा, सर क्या आप आराम कर रहे थे, रहा था, रहे थे, क्या आप आराम कर रहे थे, आपका मतलब क्या होता है, यू। तो देखिए इधर यू के साथ क्या आएगा, वर्ब। तो सवाल पूछा वर आगे, मैं हूँ यू, आराम करना होता है टेक रेस्ट, तो वर्ब है इसमें टेक, रेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है, तो आई एन जी लगाना है फर्स्ट वर्ड में, तो टेकिंग आ गया, तो आपका सवाल बन गया वर यू टेकिंग रेस्ट। आंसर देना है मैंने, जब इंटरोगेटिव में यू हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आई बन जाता है, तो यू का बन गया आई, और आई की हेल्पिंग वर्ब वाज, तो मैं बोलूंगा आई वाज टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा था। मना किया, मैं आराम नहीं कर रहा था, आई वॉज नहीं के लिए नॉट टेकिंग रेस्ट, आई वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट, मैं आराम नहीं कर रहा था। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या वो गाली दे रहे थे, मैंने यू से पूछा एक से ज्यादा लोगों के बारे में, दे के बारे में, क्या वो गाली दे रहे थे, क्या का मतलब सवाल पूछा जाता है, वो का मतलब दे, दे के साथ आएगा वर, वर दे, गाली देना होता है अब्यूज, तो अब्यूज वर्ब है, अब्यूज में आई एन जी लगा दिया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर दे अब्यूजिंग, आंसर दिया सेकंड पर्सन ने, सर वो गाली दे रहे थे, तो दे का दे बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब दे की वर अंदर आ गई, दे वर अब्यूजिंग, मना किया सर वो गाली नहीं दे रहे थे, दे वर नहीं के लिए नॉट, आगे अब्यूजिंग, इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर थर्ड एग्जांपल। मैंने पूछा सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वह शर्त लगा रहा था। अब देखो शर्त लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं हैव बैट, हैव बैट, हैव वर्ब है, बैट आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो वह का मतलब ही के साथ आता है वाज, तो वाज ही हैव में आई एन जी, हैविंग बैट, वाज ही हैविंग बैट, क्या वह शर्त लगा रहा था, आंसर दिया सेकंड पर्सन ने, वह शर्त लगा रहा था, सब्जेक्ट बाहर ही के साथ वाज, ही वाज हैविंग बैट, मना करो वह शर्त नहीं लगा रहा था, ही वाज नहीं के लिए नॉट हैविंग बैट। देखो सभी में आई एन जी आ रहा है, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, तीनों में आई एन जी है, क्योंकि कॉन्टिन्यू में आई एन जी आता है। लेट्स गो फॉर लास्ट एग्जाम्पल, फोर्थ, इट का एग्जाम्पल देते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम इट की बात करते हैं, इट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजें। इसमें आपके पास दो चॉइस है, बारिश के लिए 100% सब्जेक्ट आपका इट आएगा, बारिश को छोड़कर एक्सक्लूडिंग रेन,
जब आप किसी भी नॉन लिविंग की बात करते हो, मान लो आप सीलिंग फैन की बात कर रहे हो, छत वाले पंखे की, आप फैन भी लगा सकते हो, इट भी लगा सकते हो, डोर भी लगा सकते हो, इट भी लगा सकते हो, क्लॉथ्स भी लगा सकते हो, इट भी लगा सकते हो, एक चीज लगाना है। बट बारिश के लिए कंपलसरी है, एक ही सब्जेक्ट आएगा, वो है आपका इट। मैंने थर्ड पर सेकंड पर्सन से पूछा बारिश के बारे में, भाई ये बता मैं तो शहर में नहीं था यार, क्या बारिश हो रही थी? वाज, क्योंकि इट, बारिश के लिए इट लगाते हैं, इट के साथ आपका आएगा वाज, तो वाज बाहर, इट अंदर, बारिश होती है रेन, वाज इट रेनिंग। सेकंड पर्सन कहेगा हाँ सर बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, मना करो इट वाज नॉट रेनिंग। तो गाइज ये हमारी पास्ट सीरीज का सेकंड टेंस था जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब काम पास्ट में लगातार चल रहा हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलो मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर आप मुझे उसके आंसर देना, मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है, क्या आप खाना खा रहे थे? क्या आप खाना खा रहे थे? खाना खाना होता है टेक फूड, हैव फूड, ईट फूड। दूसरा आप लिखिए, क्या वह बड़बड़ा रहा था? क्या वह बड़बड़ा रहा था? बड़बड़ाना होता है ग्रम्बल, ग्रम्बल, बड़बड़ाना। तो ये दो वाक्य हैं, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करने हैं कि इनके आंसर ये हैं, फिर मुझे पता लगेगा कि आपको ये वाक्य में जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए क्लियर हो गई है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।